आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा के थाना मंटोला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10-10 हजार के 3 इनामी को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना मंटोला पुलिस इनामियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने गैंगस्टर के 10-10 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ में पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। ये महिला कई मुकदमों में फरार चल रही थी। तीनों इनामी आरोपी लूट के मामले में फरार चल रहे थे। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सभी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 अभियुक्त 10-10 हजार के इनामिया थे और एक अभियुक्ता है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो 3 अभियुक्त 10-10 हजार के इनामिया गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है दीवान सिंह उर्फ छोटू, दूसरा लाखन सिंह पुत्र राम खिलाड़ी, तीसरा घनश्याम पुत्र कालीचरण और एक अभियुक्ता रजनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों व्यक्ति गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे और जो इसका बेस मुकदमा था वो मंटोला थाना क्षेत्र में जो बड़ी लूट हुई थी उसी पे ये गैंगस्टर मुकदमा लिखा गया था, उसी के क्रम में इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर भी इनाम है? महिला पर कोई इनाम नहीं है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।